इतिहास में हुई उस गलती को क्या हम फिर से दोहराने जा रहे हैं? कोरोना के कहर को जब आज विश्व ने पेंडामिक घोषित कर दिया है, तब 100 साल पहले का उस विनाशक पेंडामिन की गलती को क्या हम अपने जहन में नहीं रख सकते? 1918 यानी आज से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा, जिसने 5 करोड़ से ज्यादा इंसानों की जान ली थी, कई तथ्यों की माने तो ये आंकड़ा 10 करोड़ तक का था। इसका मृत्यु दर 10% था, यानी 50 करोड़ को इंफेक्ट करने वाला ये फ्लू 5 करोड़ लोगों की मृत्यु का कारण था। इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए पड़ा क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था। स्पेनिश एक ऐसा देश था जिसने वर्ल्ड वॉर में भाग नहीं लिया था। वो कहते हैं ना कि मीडिया आपके देश का आईना होती है। वर्ल्ड वॉर की वजह से सब देश मीडिया के सामने सब कुछ छुपा रहे, लेकिन स्पेन ही एक ऐसा देश था जिसने इस महामारी के बारे में सच्ची खबर पूरे विश्व तक लाई, इसीलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू रखा गया। इतिहास शायद इसलिए दोहरा रहा है क्योंकि चाइना ने कोरोना की सच्चाई को विश्व के सामने लाने में देरी तो कर ही दी। इतिहास की वो घटना जिसे हम दोहराने जा रहे हैं, वो यूएस के फिलाडेल्फिया शहर में उस वक्त वर्ल्ड वॉर में भाग ले रहे सैनिकों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक परेड का आयोजन किया गया। स्पेनिश फ्लू उस वक्त शहर में अपना कहर बरसा रहा था। शहर के मेयर को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि परेड ना करें, सैनिकों का अपमान होगा, यह कहकर मेयर ने इस परेड को रोका नहीं। 2 लाख से ज्यादा लोग उस परेड में जुड़े। अगले ही सप्ताह 2600 से ज्यादा की मौत हुई, जिनमें से ज्यादातर इस परेड में शामिल लोग ही थे। आज हमें भारत सरकार इसी की समझ दे रही है, लेकिन शायद हम इतिहास को दोहराने में रुचि ज्यादा दिखा रहे हैं। उस वक्त के वर्ल्ड वॉर में 4 करोड़ लोगों की जान गई थी, लेकिन अकेले इस स्पेनिश फ्लू ने ही 5 करोड़ जाने ली थी। उस वक्त अकेले भारत में 2 करोड़ से ज्यादा जाने गई थी क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सरकार थी, स्वास्थ्य पर किसी का ध्यान नहीं था। आज हमें सरकार पर तो गर्व है, लेकिन समाज पर नहीं है, क्योंकि समाज को समझाने का सामर्थ्य शायद संभव नहीं हो पा रहा है। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में।